आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। पहली खबर रुड़की से है, जहां पर विधानसभा से भाजपा द्वारा प्रदीप बत्रा को प्रत्याशी चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस बार भी रुड़की विधानसभा से भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा को ही उतारा है। प्रदीप बत्रा को फिर से भाजपा द्वारा प्रत्याशी चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं समर्थकों ने प्रदीप बत्रा को फूल माला पहनाकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी को जाहिर किया है। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री धामी का भी आभार व्यक्त किया। सीट रुड़की से निकालूं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, अपने संगठन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रुड़की से चुनाव लड़ूं और ये सीट पे विजय हासिल करूं। और सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहा इस टिकट में भी और जीत में भी रहेगा। तो एक बार पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। युद्ध एक चुनौती होती है, चुनौती की तरह हम इसको लेंगे और युद्ध को युद्ध की तरह लेंगे और हम युद्ध के मैदान में पहले से ही और काम कर रहे हैं और आगे भी डटकर काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और हर कार्यकर्ता से मिलेंगे, हर वोटर से मिलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में भाजपा ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पर फिर से 4थी बार अपना दांव खेला है। प्रेमचंद्र के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। शहर के जगह जगह प्रेमचंद्र के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ भाजपा हाईकमान ने उन पर फिर से विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वह सीट जीत कर खरा उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने 4थी बार मुझे ऋषिकेश से अपना प्रत्याशी घोषित किया। और निश्चित रूप से जब ये घोषणा हो रही थी तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने जो मेरे बारे में कहा कि हमारे अध्यक्ष विधानसभा रहे माननीय स्पीकर महोदय और सरल और जो सज्जन प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो ये मेरी संपत्ति है, मेरी पूंजी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 साल इस दौरान मैंने बहुत विकास के कार्य किए, चाहे सड़क को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, बाढ़ सुरक्षा को लेके, बाघ सुरक्षा को लेके, और किसी भी विभाग से कोई भी योजना मुझे अपने यहाँ लानी हो, चाहे ग्राम्य विकास से हो, MDDA से हो या अन्य कोई भी विभाग हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह है, अभी आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं का उत्साह आपके सामने, जिस प्रकार से जगह जगह जश्न इस आज प्रत्याशी घोषणा के बाद लोग मना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता आज सक्रिय है, काम कर रहा है। अनेकों हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों, यहाँ पर हमारी मेयर हों, यानी तमाम जनप्रतिनिधि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के पुनः मिलने के बाद उन्हें कैंप कार्यालय पर समर्थकों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी के साथ भाजपा विधायक सुरेश राठौर और भाजपा हाईकमान के निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सुरेश राठौर और उनके समर्थक ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। वही लालकुआ में आचार संहिता के बाद से जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर राजनयिक पार्टियों के लगे होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग का कार्य जो है वो हटाने का कार्य हो रहा है। लालकुआ के राजीव नगर बंगाल कॉलोनी में सामुदायिक भवन की दीवार पर एक राजनीतिक पार्टी की लगी वॉल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। वहीं इसी मामले के संज्ञान में आने के बाद उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए राजनीतिक पार्टी के वॉल पेंटिंग को हटाए जाने के साथ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सबसे पहले 3 प्रकार की कार्रवाई की जानी थी। जितने पब्लिक ऑफिस से उनसे 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री हटाई जानी थी, 48 घंटे के अंदर जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उनसे प्रचार सामग्री हटाई जानी थी और 72 घंटे के बाद
जितने निजी संपत्तियों पर लगे हैं पोस्टर और उस निजी संपत्ति के मालिक से उनकी सहमति नहीं प्राप्त की गई हो तो वो हटाए जाने थे। प्रथम चरण की ये तीनों कार्य यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद यदि किसी निजी संपत्ति पर, जैसा आप बता रहे हैं आपके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निजी संपत्ति पर लगे हैं, यदि किसी की निजी संपत्ति पर नया कुछ प्रचार सामग्री लगाया गया है या लिखा गया है तो उसके संबंध में उसकी जांच करा ली जाएगी। इसको फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी, अलग अलग टीम है, उनको टीम को भेज करके और सहमति नहीं होगी तो उसको उसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिहरी के 6 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक के कलेक्ट्रेट भवन तथा टिहरी में अपना नामांकन भर सकते हैं। इसके लिए टिहरी प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। टिहरी में कलेक्ट्रेट भवन तथा तहसील टिहरी के 6 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाए गए हैं। आज अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा सभी नामांकन का कक्ष का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे और व्यवस्थाओं का भी उन्होंने हालचाल जाना। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है तथा सभी राज्य दलों के साथ बैठक भी जारी है। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी नामांकन कक्ष हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो नामांकन प्रपत्र हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठक हुई, उसमें भी सभी को अवगत करा दिया गया कि एक नामांकन के समय एक उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 2 लोगों को लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुल 3 लोग ही नामांकन के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए मतदाता ऐप भी बनाया गया है, वो चाहे तो इस ऐप के माध्यम से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली उन्हें फॉर्म जमा करने के लिए आना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोरोना में संक्रमण को बचाव करने के लिए ना केवल कर्मचारियों को बल्कि उम्मीदवारों की भी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। रुड़की के मंगलौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को हर क्षेत्र से जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार भी सरवत करीम अंसारी को अपना प्रत्याशी चुना है। इसके बाद से सरवत करीम अंसारी मंगलौर विधानसभा के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें हर समाज का समर्थन मिल रहा है। सरवत करीम अंसारी ने बताया कि मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं उसके बाद से अब तक क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। जहाँ तक विकास की बात है, आप देखो मेरे 5 साल के अंदर जो मुझे मेरे साथियों ने मेरे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले में जीता था, तो मैं विकास के नाम पर जो है मुझे जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैंने भरपूर विकास भी किया है, चाहे उसमें डिग्री कॉलेज रहे हों, चाहे बिजली घर रहे हों, चाहे सड़कें रही हों, चाहे आपके अस्पताल रहे हों, सब पे मैंने बराबर नज़र रख कर जो है काम किया। और उसका श्रेय जब देखा है, मेरी रिपोर्ट कार्ड आया, रिपोर्ट कार्ड चलती है जब 5 साल पूरे हो जाते हैं कि किस विधायक की कितनी रिपोर्ट कार्ड में कितना काम हुआ है, उसका जो है सरकार से जो है नंबर निकलता है, तो उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी का विकास में पहला नंबर आया। कांग्रेस विधायक का विकास जो है, बताओ मुझे, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कौन सी सड़क पे हुआ है, कौन सा काम उसने किया है, कहीं से कहीं तक एक रोड़ी लगी हो, बजरी लगी हो, मैं जहाँ देख रहा हूँ यहाँ पानी में जो सड़क मैं बनवा के चला गया वो सड़कें आज भी झूकी थी, उन पर आज भी 1-1 फुट पानी है, यहाँ के विधायक ने कोई विकास नहीं करा। हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उनके निर्देशानुसार बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राइवेट लैब के द्वारा कोविड-19 की जांच लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों की RT-PCR व एंटीजन दोनों तरह की जांच की जा रही है। संक्रमण की दृष्टि से और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी सतर्कता फिलहाल बरती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर अपने काम में लगी हुई है। टोटल अभी तक 11 बॉर्डर हैं जिनको हम वहाँ पर टीम लगा रखें 24/7,
जिसमें हमारे प्राइवेट लैब्स भी हैं और हमारे सरकारी लैब्स भी उसमें काम कर रहे हैं, सरकारी संस्था लगी हुई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर गाड़ियाँ बजाबते रोक के की जा रही है, उसमें कहीं कहीं से कुछ थोड़ी सी घटना हो जाती है कि लोग जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वो चाहते हैं कि मेरा समथिंग नहीं हो, लेकिन हमारे माननीय डीएम महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी आएंगे, चूँकि हमारे धर्म नगरी है यहाँ भीड़ काफ़ी होती है खासकर वीकेंड में, कि जो डबल वैक्सीनेटेड उनको भी टेस्ट कराना जरूरी है। और वहाँ पर केवल रैपिड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, आर्टिफिशियल वहाँ बॉर्डरों पर नहीं हो रहे हैं। अगली खबर सुल्तानपुर पट्टी से है, जहां पर आदर्श नगर में बिजली पोल जो है जर्जर हालत में है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर ट्रांसफार्मर भी इन पोल के सहारे खड़ा है और किसी भी वक्त ये गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग और नगर पंचायत अधिकारी इस पर आंख मूंद के बैठे है। ये विद्युत विभाग की है, पहले भी मैं इसकी पहले भी लिखित सूचना भी वो भी दे चुका हूँ और पहले अखबार में भी आ चुका है इसका, इससे पहले भी, लेकिन विभाग ने कुछ नहीं कहा रहा है इसमें। और तो इतना खतरनाक है कि इसमें ब्लास्ट होते रहते हैं, इसमें स्पार्किंग होती रहती है, बहुत खतरे का है, हमें भी डर लगता है कई बार, हम यहाँ से ऐसी कहाँ से जान बचाएँ। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी आते रहते हैं दुकान पर, अफरा तफरी, जिससे दुकान पर भी फर्क पड़ रहा है, कारोबार पर भी पड़ रहा है और जान माल का तो खतरा है ही। मैं आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो इसमें कार्रवाई की जाएगी जो भी, ताकि डबल पोल जो ट्रांसफर गिरे ना और कोई दुर्घटना ना हो, तो इसलिए आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। मेरी जानकारी में आया है अजय सक्सेना बुक्स डिपो है, वहाँ पर जो है ये जर्जर हालत में है, ये किसी टाइम भी दुर्घटना घट सकती है, बच्चे भी स्कूल के आते हैं वहाँ दुकान पर, और बहुत बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है इनकी, कर्मचारियों की, बिजली विभाग के अधिकारियों की, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी भी टाइम कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। वहाँ कई स्कूलों के बच्चे जो है कापियों किताबें लेना आते हैं, मैं इनसे अधिकारियों से निवेदन करूँगा इस पर संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करें तुरंत। वहीं लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर टीम बनाकर विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पुलिस द्वारा एक युवक इकराम को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो खंडजा कुतुबपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना को लेकर SSI मनोज सिरोला ने बताया है कि अवैध तमंचे के साथ युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की जाँच जारी है। ये विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विशेष अभियान चलाया गया था, इसके तहत गठित टीम का नेतृत्व SI यशवीर नेगी द्वारा किया गया था। उन्होंने एक युवक इकराम जो खड़ंजा कुतुपुर का है, इसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया है, वैसे आज हम जेल में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इसमें 5 महिलाओं पर दांव खेला गया है। 70 में से 59 उम्मीदवारों का नाम फिलहाल तय कर दिया गया है। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर प्रदेश में राजनीतिक तापमान को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहली लिस्ट की घोषणा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में की। प्रदेश स्तर से संगठन द्वारा दावेदारों के जो नाम भेजे गए थे, बुधवार को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन पर चर्चा के बाद ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होगा। यहाँ 14 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में CM पुष्कर धामी की सीट भी फाइनल कर दी गई है। उम्मीदवार सूची के मुताबिक धामी को खटीमा सीट से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी 2 बार से विधायक रहे हैं।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में अभी 70 में से 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 15 ब्राह्मण चेहरों और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भाजपा ने अपने बड़े बड़े चेहरों को कहां से चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड भाजपा की पहली सूची, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से मदन कौशिक, मसूरी से गणेश जोशी, रायपुर से उमेश शर्मा काउ, श्रीनगर से धन सिंह रावत, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद, नैनीताल से सरिता आर्या, पुरोला से दुर्गेश चौहान, यमुनोत्री से केदार सिंह रावत और गंगोत्री से सुरेश चौहान का टिकट फाइनल किया गया है। वहीं रुड़की से प्रदीप बत्रा, रानीपुर भेल से आदेश चौहान, खानपुर से प्रवण सिंह चैंपियन, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, लालकुआं से नवीन दुमका और ज्वालापुर से सुरेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में भाजपा ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी बिगुल फूंक कर प्रत्याशियों में जोश भर दिया है। हालांकि अभी उत्तराखंड कांग्रेस की सूची आनी बाकी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में एक चरण में ही मतदान होना है। अब देखना दिलचस्प है कि 10 मार्च को किसका परचम लहराता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सियासत में ताल ठोकता है। प्राइम टीवी के लिए श्वेता यादव की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड जो तीर्थ की दृष्टि से अलग ही महत्व रखती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने लाखों करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड को धार्मिक राज्य के तौर पर देखा जाता है, तो वही यहां की सियासत भी बिल्कुल अलग है। 22 के रण के लिए यहाँ सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 15 फरवरी को वोट डाले गए थे, जबकि वोटों की गिनती 11 मार्च को की गई थी। 2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें। 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा को मिली प्रचंड जीत, 70 में से 57 सीटें जीती, कांग्रेस को मात्र 11 सीटें मिली, अन्य के खाते में गई 2 सीटें। उत्तराखंड में हुए 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 का रण बड़ा ही दिलचस्प रहा, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आए थे। कांग्रेस 70 में से 32 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से वह 3 सीटें पीछे थी। वहीं बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद अन्य दलों के साथ लेकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 2012 विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस ने जीती 32 सीटें, भाजपा के खाते में आई 31 सीटें, बसपा को मिली 3 सीटें, उत्तराखंड क्रांति दल ने मात्र 1 सीट जीती, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया, कांग्रेस ने बनाई थी सरकार, बसपा यूकेडी निर्दलीय का मिला समर्थन, विजय बहुगुणा बनाए गए थे मुख्यमंत्री, जबकि हरीश रावत केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे।
वहीं बात करें अगर कार्यकाल की तो विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं हरीश रावत 1 जनवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर हरीश रावत 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016। वहीं हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017। वहीं बात अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो सभी राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कर दी है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा है। भाजपा पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। चुनाव से ठीक पहले ही धामी बनाए गए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा। हरीश रावत है मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल है मुख्यमंत्री पद का चेहरा। 17 अगस्त को आपने किया था ऐलान। कोठियाल 26 साल तक सेना में दे चुके हैं अपनी सेवाएं। उत्तराखंड में 22 के रण में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में पिछले 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो वहीं कांग्रेस से राहुल हो या प्रियंका या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी दलों ने नए जिले के गठन को लेकर वादे भी किए हैं। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि 22 के रण में जीत का सहरा किस पार्टी के सर बंधता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो फिलहाल इस वक्त 2022 विधानसभा चुनाव का जो रण है वो तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी बिसाते बिछाने में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने का दौर भी जारी है। ऐसे में किस पार्टी को इन सब का फायदा मिल पाता है और 10 मार्च के बाद किसके सर जीत का ताज सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।